खबर नाथद्वारा से। नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा नगर में नगर विकास के नाम पर नगर के सभी गली मोहल्लों में सड़क नालियों के साथ अंडरग्राउंड लाइट व सीवरेज के लिए खोदा गया है, परंतु नगर की कई गली मोहल्लों में सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं करने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ नगर के जागरूक लोगों सहित स्थानीय संघ संगठन मंच मोर्चा सहित राष्ट्रीय पार्टियों की स्थानीय पदाधिकारियों सहित लोगों ने नगर में विकास के नाम पर नगर की गलियों मोहल्लों में खोदी गई सड़कों को सही करवाने के लिए लिखित व मौखिक अवगत कराने के उपरांत केवल आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला, जबकि वर्तमान समय में दीपावली के अवसर पर नाथद्वारा नगर में प्रभु नाथ जी के दर्शन करने के लिए देश भर से वैष्णवों का आवागमन बना हुआ है, जिसके चलते नगर की प्रमुख बाजारों गली मोहल्लों की सड़कों की खुदाई होने से लोगों को पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। जबकि नाथद्वारा नगर में मंदिर के आसपास जितनी भी गली मोहल्लों में लोगों को द्वारा प्राइवेट गेस्ट हाउस होटलों का निर्माण किया जा रहा है, जहां लोगों को ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, परंतु इन गेस्ट हाउस होटलों में पार्किंग स्थल नहीं होने से ये गेस्ट हाउस वाले नगर में कहीं भी पार्किंग करवाने से लोगों को सड़कों पर पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। साथ ही नगर में आने वैष्णवों की गाड़ियां का नहर में प्रवेश के लिए बस स्टैंड से बंदना टॉकीज रोड होते हुए रावतों का दरवाजा चमत्कार चौराहा सिंधी कॉलोनी होते हुए रामपुरा में स्थित होटल के बाहर गाड़ियों की पार्किंग की जा रही है। ऊपर से सड़कों का बदहाल है, जबकि नगर का प्रमुख चमत्कार चौराहा पर ट्रैफिक व्यवस्था की जा सकती है। इस सड़कों उकड़ी सड़कों पर टू व्हीलर वाहनों का दुर्घटनाग्रस्त होना आम बात है, जिसकी जानकारी संबंधित विभाग को स्थानीय लोगों ने लिखित व मौखिक अवगत कराने के उपरांत नतीजा ढाक के तीन पात है।